वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ और बहुत बहुत बोले तो बहुत बेस्ट और सबसे भारी, सबसे खतरनाक और सबसे रावास जो मैं आपको आज रैप सॉन्ग सुनाने वाला हूँ। पहले उसको देख लेते हैं, उसके पे हम लोग चेक कर लेते हैं किस टाइप का रैप सॉन्ग है। और हाँ, तो पहले वीडियो चालू करते हैं किस टाइप से है, किस तरीके से हमको उस देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बहुत भारी लग रहा है, तो पहले देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। कट्टर वाट सुनना ध्यान से। धर्म की रक्षा की बात हो, हम डरते नहीं, हम वीर गति को प्राप्त, हम मरते नहीं। तुम धर्म के नाम पे खुद को माइनॉरिटी मानते, खुद को ही हो बांटते, बेशर्त सही क्यों? पर हम धर्म की बात करें तो हम संघी गुंडे दंगई, पर किसने बढ़ाया तकवा, दुनिया में सच्चाई होती कम नहीं। मानवता की मौत तुम, दानवता की फौज तुम, क्या कहना पड़ेगा कि आतंकवाद की कौन तुम? कश्मीर में वही लाशें, कितनी औरत, कितने बच्चे, पर वो हिंदू थे उस समय की मौत तुम कौन? तुम देशद्रोही, देशवासी, इस देश की मिट्टी नहीं, तुम्हारे हाथ में पत्थर फेंक दो ये जवानों पर, भगवानों पर, और हम सहते रहे यार। सैड स्टोरी। अगर श्री राम ने हमें दया सिखाई तो लक्ष्मण ने सिखाया करना अंत भी। तुमने दिया जिन्ना को जन्म, जाओ पाकिस्तान, ये धरती स्वामी विवेकानंद की। अरे अल्लाह के नाम पे छाती पे बॉम्ब लपेट के शहादत की चाह नहीं, ये आदत तुम्हारी, लाना तुम्हारी सोच पे, जो दूसरे धर्म को कोसते, जिहाद की फसाद भी पैदावार है तुम्हारी। और बुर्के की आड़ में कितनी बार तुम बचकर दिखा चुके असली मकसद, कौ तस्कर, कौ भक्षक, कौ लश्कर, ताइबा तुम्हारी कौम की नस्ल। अरे गाय को माता नहीं तो कम से कम मानो एक जानवर, तुम खाते उसको चीर कर उसमें भी जान, ये जानकर याद रखना ये पाप धुलेगा नहीं जानकर, क्योंकि उसकी जगह तुम्हारे पेट में नहीं, उसकी जगह खुले मैदान पर। ओह गॉड। और कल की बात है, तुमने उकसाए कितने छात्र, भड़काए कितने दंगे, जलाए कितनी बसें, फहराए कितने तिरंगे, लड़ी कितनी जंग तुमने देश प्रेम के लिए, तुम्हारे देश प्रेम में लग जाता इतनी आसानी से क्यों जंग है? तुम्हारे पूर्वज हिंदू उत्थान के, फिर भी तुम बोझ भारत माँ की शान पे, तुम्हें भगवा से नफरत है, नारसी से नफरत, सीधा कह क्यों नहीं देते तुम्हें प्यार पाकिस्तान से? खैर, हर सिक्के के दो पहलू, सोचा पहले मैं कह लूं, मैंने बोला तूने साहब, हाँ बहुत भारी बोले तो एकदम रावस रैप का है इसमें, एकदम खतरनाक। आप लोग सुनोगे ना तो आपके दिल पे बस जाएगा यार, हरी दोनों ने कहा है। तो दूसरी लाइन में सुन लेते हैं किस टाइप से, किस फ्लो पे जा रही है दोनों के। बोले तो बहुत रावस है, एक बार अपन पूरा सुन लेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बोलता हूँ। रावस मजा आ गया भाई सुनने में, एक नंबर खतरनाक है दोनों का, दोनों बोले तो एकदम ही खतरनाक। सुनना जरूरी है, सुनो। शायद हिंदुस्तान के मतलब से तू रूबरू ही नहीं, डम फक, उस पूरे बेवकूफ का मूत्र का नशा कम कर। हिंदुस्तान का अर्थ सिंधु नदी के पार की धरती, ना कि हिंदुओं का स्थान। पर तू डम फक, क्या बोलू तुझे, डम फक, तुझे दिखता ना भेदभाव, तुझे लगते हम सब हम शक्ल, तुझे दिखते हम सब के हाथ में कंकड़। तेरी बात कराऊं क्या अपने वालिद से, तो तुझसे बड़ा देशभक्त, भारत की आर्मी में, गर्मी में, सर्दी में, तैनात कश्मीर में इस वक्त, ओ सॉरी कश्मीर में अभी, आउट ऑफ संपर्क। और भय में जीना भयंकर, लेकिन इस लोकतंत्र में जमकर होती मॉब लिंचिंग और भीड़, वीडियो बनाती जय श्री राम चिल्लाती पुलिस चुप, सरकार आंखों में पट्टी लगाती, ये राम राज्य नहीं, ये वनवास, ये जंगल, ये जंगल। तुम बनते गौर रक्षक पर लगभग हर सड़क पर, इस मुल्क में जी रही गाय मर मर कर। और जिस हुकूमत में बलात्कारी और अपराधी राजनीति में मिल जाए, मेरा ईमान नहीं देता इजाजत, पर क्योंकि वो तेरे ही मजहब के जातू, उनका खुल के समर्थन कर। क्यों? और
का एक प्रतीक आया गा कुरान में, जा जाके देख क्या लिखी मर्यादा वेद पुराण में, पहले झांक कूद के गिरे बांध में पहले अपना दंडक। हाँ किया कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर बदनाम, पर सुनकर राम का नाम, वो दिन दूर नहीं जब होंगे कत्ल सरेआम, और प्रशासन होगा मौन क्योंकि संविधान की रीढ़ को तोड़कर चीर मरोड़कर करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र का निर्माण। ये वनवास, ये जंगल हिंदुत्व के रक्षक, या बोलूं तुम्हें हिंदुत्व के राक्षस। अगर सर्वाइवल की बात हो, एक मुस्लिम और एक गाय हो, तुम खा जाओगे मुसलमान को बेशक, ये बात शत प्रतिशत सच। और ये जमीन किसी के बाप की नहीं, तो हमें ये भय नहीं कि तुम्हारा हिंदुत्व इस्लाम की कब्र खुदवा न दे। भैये कहीं तुम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम इतिहास से भुलवा न दे। भैये कहीं भगवा का भार भाईचारे को इस देश के बाहर भगवा न दे। अरे बचपन में टीवी में जय श्री राम सुनने को मिलता था, तो दिखते थे छाती चीरते हुए हनुमान, और आज दिखते हैं हाथ में तलवार लिए हैवान शैतान। क्या शास्त्रों में शस्त्र ही वीरता की पहचान? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल पहलू और सिक्के के दो अलग हर बंदे की सोच, तो क्यों ना इस कट्टरवाद जहनीयत को छोड़ बड़े भाईचारे की ओर, इंसानियत की ओर, इंसानियत की ओर। और बोले तो सॉन्ग कट्टरवाद एक नंबर भाई, बोले तो बहुत हार्ड सॉन्ग बनाया है दोनों ने, बहुत भारी गाया है दोनों ने, एक नंबर सॉन्ग गाया है। कुछ भी बोलो, रैप एक नंबर है दोनों का, इसने भी बहुत भारी भारी बातें कहा है, इसने भी बहुत भारी भारी बातें कहा है। जो दोनों ने एक जो एक दूसरे में मस्त एकदम, बोले तो इसको बोलते हैं इस रैप सॉन्ग, एकदम रावस खतरनाक आग लगा देने वाली। बोलो ना इस सॉन्ग को, नाट सॉन्ग है, आप लोग इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सुन सकते हो। और बोले तो बहुत भारी। और हाँ, मोदी जी ने एक बात गलत कहा, जो इस सॉन्ग में लास्ट में उन्होंने दिखा दिया, उसमें आप पहचान लेना, मैं देख सकते हो, उन्होंने खुद दिखा दिया कि क्या है। ये आग लगाने वाले कौन है, वो तुमके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मोदी जी ने गलत कहा, कपड़ों से नहीं पहचाना जाता है। मोदी जी आप पहचान पा रहे हो कौन हिंदू कौन मुस्लिम उसमें, नहीं ना, वो इंसानों की सोच है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। और केजीएफ का रिएक्शन नहीं देखा हो तो आई बटन पे आप लोग जाके केजीएफ का रिएक्शन देख सकते हो मेरा। और फेजू बैंग बैंग उसका भी वीडियो मैं ऊपर दे दूंगा आई बटन में, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और जो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट होगा खड़े लाइन बिंदास कमेंट कर सकते हो अपने को, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।